नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज टीम। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी सारी क्लीन नीड्स को पूरा करने में मदद करता है। वो है डाइसन की तरफ से आने वाला डाइसन V11 प्रो वैक्यूम क्लीनर। लेकिन थोड़ी देर बात करते हैं, अभी आई एम श्योर आपके दिमाग में आ रही होगी चीज की ये जो चेयर है ये खाली क्यों। वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स एंड कॉर्डफ्री वैक्यूम क्लीनर्स। एंड रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को प्रेजेंट करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त और दुश्मन हैरिस। तो आइए जानते हैं रोबोटिक्स वाले वैक्यूम क्लीनर ज्यादा बढ़िया है या फिर कॉर्डफ्री। रोबोटिक्स कॉर्डफ्री रोबोटिक्स कॉर्डफ्री रोबोटिक्स कॉर्डफ्री रोबोटिक्स कॉर्डफ्री। चलिए दोस्तों, मानते हैं जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं उनके अंदर कोई तार नहीं होता, लेकिन मेरे पास जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है वो ऑटोमेटिक है। इसका मतलब वो घूम घूम कर अपने आप ही मेरा पूरा फ्लोर साफ कर देता है। देखिए दोस्तों, ऐसी ऑटोमेटिक क्लीनिंग का फायदा ही क्या जो आपको वापस से करनी पड़े, क्योंकि जितने भी रोबोटिक वाले वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं वो हैवी डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से आपसे कॉर्डफ्री वैक्यूम क्लीनर की या फिर स्पेसिफिकली डाइसन V11 प्रो की, तो ये 0.3 माइक्रोन लेवल तक के डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकता है, क्योंकि इसकी जो सक्शन पावर है वो रोबोटिक वाले से काफी ज्यादा होती है। चलो, सक्शन पावर की बात आई गई है तो मेरे पास जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है उसकी सक्शन पावर 50 to 60,000 आरपीएम है। 50 to 60,000, मैन दैट साउंड्स लाइक अ बिग नंबर। लेकिन पता है इसका आरपीएम कितना है? कितना? 1,25,000। पहले तो इसको थोड़ा सा दूर रखो। क्यों भाई, डर गया क्या इससे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ इसका लुक बहुत अच्छा है। सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि इसकी फंक्शनैलिटीज भी रोबोटिक वाले वैक्यूम क्लीनर से काफी ज्यादा अच्छी है। बट हाँ एक बात है, जो मेरा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जब मैं सुबह को ऑफिस जाता हूँ तो उसे ऑन कर ऐसे ही छोड़ जाता हूँ, और जब मैं वापस लौटता हूँ तो मुझे मेरा पूरा फ्लोर एकदम साफ मिलता है। सिर्फ फ्लोर ही साफ मिलता है? दीवार पे कर्टन्स लगे हैं वो, या फिर जिधर आप बैठते हैं उठते हैं, जैसे कि आपका मैट्रेसेस चेयर, ये सारी चीजें साफ मिलती हैं क्या? या फिर आप महाशय जिस कार से सफर करते हैं उस कार की सीट, या फिर कार का इंटीरियर, क्या आपका रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर उन्हें साफ कर सकता है क्या? बट हाँ, अगर ये इतना सब कुछ साफ कर सकता है तो आई एम श्योर कि इसके अंदर डर्ट तो काफी जमा हो जाता होगा, तो इसकी क्लीनिंग में तो काफी दिक्कत आती होगी फिर। क्लीनिंग में दिक्कत? दोस्तों, इतनी आसानी से आप इसके सारे डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं और क्लीनिंग में दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। आई एम रियली इंप्रेस्ड। तो क्या मुझे सच में अपने रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर से इस पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? ब्रो, सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि आप सभी को शिफ्ट कर जाना चाहिए डाइसन के इस कॉर्डफ्री वैक्यूम क्लीनर के ऊपर। तो ये था हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे कमाल की चीज जो डायसन V11 प्रो की लगती है दोस्तों, वो है इसका डिजाइन। जी हाँ, लुक्स लाइक अ स्टार वॉर गन दोस्तों। लेकिन ये जितना ज्यादा एग्रेसिव देखने में है उतना ही ज्यादा ये यूजर फ्रेंडली भी है। बायर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलती ही नहीं है, आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एक बैटरी जो कि काफी इजिली चार्जेबल है। नो वायर्स इज इक्वल्स टू नो वरीज। तो आप इस प्रोडक्ट को कहीं भी ले जा सकते हैं, अपनी कार्स एंड फ्लोर्स को काफी आसानी से साफ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वायर्स को रैप करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ईज ऑफ यूज इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट इन दिस प्रोडक्ट। एक और कमाल का फीचर प्रोडक्ट का लगा दोस्तों, वो ये है कि जो इसकी बैटरी है वो एब्सोल्युटली स्वैपेबल है, और दूसरे वैक्यूम क्लीनर्स की तरह इसकी बैटरी इनबिल्ट नहीं लगती है, बाहर बाहर लगी होती है, आप अटैच कर सकते हैं, चार्जिंग भी लगा सकते हैं, इन द मीन टाइम आप दूसरी चार्ज पे बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने क्लीनिंग टाइम में आपको कोई ब्रेक देने की जरूरत नहीं है और अपने क्लीनिंग सेशंस को काफी आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। बात करें बैटरी बैकअप की, तो बूस्ट मोड पे आपको 20 मिनट्स, मीडियम या फिर ऑटो मोड पे आपको 35 to 40 मिनट्स, एंड इको मोड पे आपको 60 मिनट का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी 4 आवर्स में काफी आसानी से चार्ज हो जाती है। If you have major OCD with the cleaning और आपको हर एक कोने में घुस के सफाई करने का शौक है, तो believe me, this product is best for you। क्योंकि इसके अंदर आपको एक नहीं
दो नहीं मिलती है 10 अटैचमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, 10 अटैचमेंट्स आपको देखने को मिल जाती है। अब चाहे वो आपका वुडन फ्लोर हो, कार्पेट हो, फॉल सीलिंग हो, या फिर विंडो हो, टेबल हो, चेयर हो, सोफा हो, इनफैक्ट LCD तक, एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, आप काफी आसानी से ये सारी चीजें इस प्रोडक्ट की मदद से साफ कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिस प्रोडक्ट के अंदर मोटर लगी है वो 2 times ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि डायसन V10 के अंदर इस्तेमाल की गई है, जो कि डायसन का पुराने वाले वैक्यूम क्लीनर का मॉडल है। तो आपको क्लीनिंग तो जबरदस्त मिलने वाली है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो प्रेडेटर स्टाइल डिजाइन है, और आप अब इस टाइम पे कंफ्यूज होंगे कि बेसिकली ये चीज क्या है। इसको दोस्तों हम कहते हैं साइक्लोन्स, और ऐसे ही 14 साइक्लोन्स का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर। और यही वो साइक्लोन्स है जो आपको 79,000 तक का ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करके देते हैं आपकी क्लीनिंग टाइम पे, और जितना ये सर्फेस कवर करता है वो है 4 mm। तो इसलिए जब आप क्लीनिंग करेंगे तो ना ही प्रोडक्ट को फास्ट यूज करिए, ना ही स्लो यूज करिए, एक मीडियम पेस पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर जो अभी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है टोटली बैगलेस ऑपरेशन, क्योंकि जितने भी वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके अंदर यही होती है। लेकिन आपकी पूरी क्लीनिंग हो जाने के बाद आप सिंपली इसके बिन को आराम से स्लाइड डाउन कर सकते हैं, सारी डस्ट बाहर निकाल सकते हैं, एंड आफ्टर दैट इसकी बिन को क्लोज करके इसको वापस अटैच कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल, द वैक्यूम क्लीनर इज रेडी टू यूज। Obviously, वैक्यूम क्लीनर है, सक्शन पावर तो जनरेट करेगा ही, तो हवा कहीं से तो बाहर आनी ही चाहिए। तो इसलिए जितनी भी आप डस्ट वाली हवा को कैप्चर करते हैं वो हवा फिल्टर होकर बाहर आए। डायसन ने इसके लिए पीछे दिया हुआ है यहाँ पे एक हेपा फिल्टर। आप काफी आसानी से इसको डिटैच कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और इसको वॉश भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे यहाँ पे आपको टैप वाटर का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वॉशेबल है, आप इसको वंस इन अ वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। आप इसको यहां पे लगा सकते हैं, दैट्स ऑल, इट्स रेडी टू यूज अगेन, सो इजी। इट हैज गॉट एन ऑटोमैटिक मोड दोस्तों। जी हाँ, वैसे तो आपको 3 modes पे ऑपरेट करता हुआ दिख जाता है, पहला इको, दूसरा मीडियम, एंड तीसरा आपका बूस्ट। लेकिन ये जो मीडियम मोड है इसी को हम कहते हैं ऑटोमैटिक मोड। अगर आपके घर पे इस साइड पे फ्लोर है एंड इस साइड पे मैट्रेस है, या फिर मैं कहूँ कार्पेट है, तो अगर आप इसको मीडियम मोड पे चलाते हैं या फिर ऑटोमैटिक मोड में कहूँ, तो ये अपने हिसाब से अपनी सक्शन पावर को जनरेट करता है। अगर ये फ्लोर पे है तो अपनी सक्शन पावर को ऊपर या नीचे कर सकता है, एंड द सेम टाइम वही उसी टाइम जब आप क्लीन कर रहे हैं, अगर ये मैट्रेस या फिर कार्पेट पे चला गया तो उसकी सक्शन पावर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ये बेसिकली नीड देख लेता है कि वहाँ पे आपको कितनी ज़्यादा सक्शन पावर की जरूरत है, कितनी क्लीनिंग की जरूरत है। यूजर एक्सपीरियंस आपको कमाल का मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको ये सब चीजें पता कैसे लगेंगी, सिंपली इस प्रोडक्ट के पीछे आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे एक LCD स्क्रीन भी, और साथ ही देखने को मिलता है यहाँ पे छोटा सा बटन भी। आप उसको सिंपली प्रेस करेंगे तो आपको पता लग सकता है कि इस टाइम आप कौन से मोड पे हैं। फिलहाल ये इको पे है, मैं इसको मीडियम कर सकता हूँ एंड बूस्ट भी कर सकता हूँ। यूजर एक्सपीरियंस कमाल का है दोस्तों। सॉरी, थोड़ा फ्लो में इधर उधर जाता हूँ, बट मेरा फेवरेट फीचर दोस्तों इसका साउंड बहुत कमाल का है। आप देख पा रहे होंगे जितने वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा साउंड करते हैं। मेरे घर पे पेट्स हैं, वो मैं जब पुराना वाला वैक्यूम क्लीनर यूज़ करता था तो देवर नॉट फ्रेंडली विद इट, लेकिन जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ दे आर क्वाइट फाइन विद इट। आप सुन पाएंगे इसकी साउंड, ये जो एक करके साउंड आती है ना दोस्तों, इसने मेरा दिल ले लिया है। ऐसा लगता है आप किसी गेम में, क्लीनिंग तो लगती ही नहीं है। आप सुन ये साउंड दोस्तों, बहुत कमाल है भाई। मजाक करके दोस्तों, विंटर सीजन आने वाला है, आप जानते हैं कितना ज्यादा पॉल्यूशन होने वाला है। फिलहाल आपको एक बढ़िया से हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने की बहुत जरूरत है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल कंसीडर करिए, और इनफैक्ट डायसन के सारे प्रोडक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं अपने बाइंग ऑप्शन के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा कंपैरिजन, या फिर मैं कहूँ प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसे ही नई नई वीडियोज एक्सपेरिमेंट करते रहे, नई नई चीजें आपके लेके आते रहे, तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बता सकते हैं। दोस्तों कोई भी ऑनलाइन परचेज करते हैं, उस पर कैशबैक देना चाहते हैं, कोई नए रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो आप हमारी खुशी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन डील्स के बारे में 24 घंटे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका चैट लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड खुशी के चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।